अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तस्लीम अहमद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तस्लीम अहमद सिविल वर्क। तो जनाब, मेरा ये सोलर सिस्टम है जिसे मैं दो साल से यूज़ कर रहा हूँ और मेरी प्लेट जो लगी हुई है ये 1500 वाट की प्लेट है, इससे बआसानी मेरा पूरा घर चलता है दिन में तकरीबन 4 बजे तक और अच्छे खासे मुझे जो है यूनिट की बचत होती है। तो अब इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मैंने इन्वर्टर कौन सा लगाया हुआ है और कितना बड़ा लगाया है और घर में मैं कौन कौन सा लोड चलाता हूं और मुझे कितनी जो है बचत तकरीबन हो जाती है। जी, ये 3.5 का मेरा इन्वर्टर है पावर का और माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है, 2 साल से तकरीबन बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसकी। ये मैंने इसलिए इतना हीवी लगाया ताकि मैं अपने एसी वगैरह भी जो है इसके ऊपर ईज़िली रन कर सकता हूँ। सोलर से मुझे मिलते हैं तकरीबन 1500 वाट की मैंने प्लेटें लगाई हैं, तकरीबन 1100 वाट मुझे मिलते हैं और 400 वाट का मेरा लोड है। TCL का मेरा इन्वर्टर AC लगा हुआ है डेटन का एक रूम में और जो कि जो है उसको दिन में तकरीबन 3 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री चलाता हूँ गर्मियों के अंदर और रात का जो उसका जो अपना पावर कंज्यूम जो करता है वो रात को के इलेक्ट्रिक के यूज़ करता है, यानी दिन में सुबह से 9-10 बजे से लेके 3-4 बजे तक जो है फ्री मेरा पूरा घर। और एक जो AC है मेरा TCL का डेटन वाला, इसमें ऑप्शन है 700 वाट पर चलने का जिसकी मैंने पिछले साल जो है वीडियो भी बना के अपलोड की हुई है। तो आराम से 1100 वाट जो है दिन में मैं आराम से यूज़ करता हूँ गर्मियों के अंदर। और दूसरा जो मेरा AC है दूसरे रूम के अंदर वो नॉन इन्वर्टर है, उसे भी दिन में अगर कभी चलाना होता है तो वो आराम से चलता है अगर सोलर से जो है 1000 वाट मिल लें और टोटल मेरे घर का लोड दोनों AC और अपना घर का लोड मिला के तकरीबन जो है 2500-2600 वाट बनता है, यानी 1000 वाट 1100 वाट वो क्या इलेक्ट्रिक से लेता है, 1000-1200 वाट सोलर से मुझे मिलते हैं, मेरे दोनों AC भी अक्सर रन होते हैं दिन में। लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि एक ही AC को दिन में यूज़ करूँ ताकि जो है मुझे बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत होती रहे। तो जी, ये मेरा लाउंज में सीटिंग एरिया में LED लगा हुआ है और इसके साथ इसके ऊपर ये सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है लाउंज में ही मेरा जो है ये फ्रिज है। इसके बाद जो है मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ जिसमें जो है एक सीलिंग फ़ैन और ये तकरीबन 12-15 लाइट लगी हुई है और ये TCL का जो है डेटन वाला मेडिकल सीरीज़ का ये जो है 700 वाट पे किस तरह से चलता है और वो सब चीज़ें मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दूसरा रूम ये है जिसमें जो है नॉर्मल AC लगा हुआ है, एक सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है जनाब। ये तमाम लोड मैं अपने इस इन्वर्टर पे और इस सोलर सिस्टम पे आसानी पूरा दिन जो है चलता रहता है। अच्छा, इसके अलावा पानी की मोटर और इस्त्री वगैरह भी दिन में बिल्कुल आराम से 3-4 बजे तक जो है ना इसके ऊपर चलती हैं, यानी सुबह तकरीबन 9-9:30 बजे से लेके और दोपहर 4 बजे तक बिल्कुल भी जो है ना के इलेक्ट्रिक जो है ना यूज़ नहीं होती मेरे घर में, पूरा दिन जो है सोलर ही मेरे घर की तमाम चीज़ों को चलाता है। अब ओवन और इस्त्री ऐसी चीज़ें हैं कि ये हर वक्त नहीं चलती, इस्त्री चलती है थोड़ी देर 15-20 मिनट आधा घंटा अगर इस्त्री घर में यूज़ होती है तो ओवन नहीं चलता, ओवन चलाते हैं तो इस्त्री नहीं चलती। बिलफर्ज़ अगर इन दोनों चीज़ों को भी साथ में चलाना पड़े तो मेरा इन्वर्टर जो है 3.5 KV का इसीलिए मैंने लगाया ताकि जो है जितनी भी पावर इसको सोलर से मिल रही है और बाकी जो है के इलेक्ट्रिक से लेके पूरा ये कर देता है। मतलब छोटा इन्वर्टर अगर आप लगाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने पूरे घर को जो है अच्छे तरीके से जो है चला सकें। बड़ा इन्वर्टर जो है एक बार आप लगाएं ताकि आपके तमाम घर का लोड जो है बआसानी आपका इन्वर्टर जो है ना आपके घर का पूरा लोड उठाता रहे और आपको ख़र्चा करने का और जो है ना पैसे लगाने का कुछ फ़ायदा हासिल हो। तो सब चीज़ें तकरीबन मैंने बता दी अपने घर की, 2 साल से बेहतरीन और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, काफ़ी मुझे जो है बिल की बचत होती है। ये समझ लें कि 2 से 3 हज़ार रुपये जो है ना महीना मुझे जो है
बिल जो है ऐसा मतलब बचत हो रही है। गर्मियों में 2 से 3 हज़ार रुपये, सर्दियों में तो बिल वैसे ही जो है ना ज़ीरो हो जाता है। सर्दियों में तकरीबन 700-800 रुपये, 900 रुपये का बिल मेरा सर्दियों में आता है। गर्मियों में जो है अगर एसी चलता है तो बिल तकरीबन जो है 4 हज़ार से 5 हज़ार रुपये बिल आता है दोनों एसी अगर दिन में मैं यूज़ करता हूँ। तो काफ़ी टाइम वो सोलर पे निकाल देते हैं। उसके बाद जो है रात में भी हम कोशिश करते हैं कि जो ना दूसरे एसी को कम चलाएं, जो इन्वर्टर मेरा एसी है मैं उसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मकसद कहने का ये है कि अगर आप अपने घर की चीज़ों को थोड़ा सा सेटिंग से लेके चलेंगे, सेटिंग से उनको यूज़ करेंगे तो आपको बिजली की अच्छी खासी जो है बचत होगी। तो जनाब ये है तमाम पूरा मेरा सेटअप, 2 साल की कारगरी जो है आपको मैंने बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो और आइंदा मैं आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ। अल्लाह हाफिज़।